चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्री चार्जेस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू आर प्लेस एट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल एज शोन। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज जीरो इफ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, इसमें से कोई एक ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके तीन वर्टाइसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, ठीक है, इन सभी चार्जेस को आपको इन्फिनिटी पे रख देना है, कैपिटल क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब इन तीनों चार्जेस को वन बाई वन इसकी पोजिशन पे लाना है। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, पहले इस चार्ज को लाओ इन्फिनिटिव से यहां पर, क्या कोई वर्क डन होगा? आंसर नहीं, कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि पहले से कोई यहां चार्ज अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ना अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ना ही रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इसलिए वर्क डन जीरो। ठीक है, दूसरे चार्ज को लाया हमने, वर्क डन लगेगा। जैसे ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो या तो अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्शन का लगेगा, इस चार्ज के बारे में कुछ जानकारी तो है नहीं कैपिटल क्यू के बारे में, तो वर्क डन होगा। अब ये डिस्टेंस है ए रूट टू, ये वर्क डन कितना होगा ये डब्ल्यू टू दूसरे चार्ज लाने पे, तो आंसर है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, ए रूट टू। अब तीसरे चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा यहां पर, तो वो वर्क डन होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वर्क डन डब्ल्यू थ्री होगा, ध्यान से देखना, फिर से मैं लिखता हूं, डब्ल्यू थ्री की वैल्यू होगी कितनी इस चार्ज को लाने में यहां पर, तो क्या होगा K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो K स्मॉल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन A, तो टोटल वर्क डन थर्ड चार्ज को लाने में इतना होगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 की वैल्यू जीरो, W2 की वैल्यू कितनी है K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A रूट टू, W3 की वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो नेट वर्क डन होता है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, और इसको ये जीरो कह रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल, अगर ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल, तो आप देखो इन दो तीनों में K कॉमन है, स्मॉल Q कॉमन है, अपॉन A कॉमन है, जो कॉमन है वो मैंने ले लिया, बाकी चीजें छोड़ दी मैंने, देखो ठीक है, बाकी चीजें मैंने छोड़ दी, Q अपॉन, ठीक, अब इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू जीरो होगी या ये वैल्यू जीरो होगी, ये तो नहीं हो सकती, यही हो सकती है, तो इसको जीरो करके देखते हैं, कैपिटल Q अपॉन रूट टू प्लस Q प्लस Q इक्वल टू जीरो, Q कॉमन ले लो, वन बाई रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस क्यू, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन वन बाई रूट टू प्लस वन, Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन एलसीएम ले लो, कितना आएगा रूट टू ऊपर चला जाएगा, वन प्लस रूट टू बाई रूट टू, रूट टू ऊपर जाएगा, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस रूट टू क्यू अपॉन वन प्लस रूट टू, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, माइनस टू क्यू अपॉन रूट टू प्लस टू, करेक्ट है, ये कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस टू क्यू अपॉन टू प्लस रूट टू, टू प्लस टू, ये वैल्यू आ रही है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।